Hi guys, it's me Muni Bhatt, and we have the most famous chef of Pakistan और पाकिस्तान की food industry का एक बहुत बड़ा नाम chef सादत भाई हमारे साथ हैं. सादत भाई के साथ आज हम कर रहे हैं कोलैबोरेशन एंड हमारा प्लान है आज हमने बहुत सारी चीजें ट्राई करनी है. सादत भाई हमें लेके जा रहे हैं उन जगहों पे जहाँ पे मैं कभी जिंदगी में मैं नहीं गया हूँ. और सादत भाई ने कहा है कि आज मैं तुम्हें एक्सप्लोर कराऊंगा. सादत भाई को पता लग गया है कि मैं कितना बड़ा फूडी हूँ. चलते वाटर पंप सबसे पहले और ट्राई करते हैं तरबूज का शरबत. मुझे वैसे भूख लग रही थी. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हम किसी खाने की जगह पे जाएंगे, लेकिन खैर है कोई बात नहीं. यहाँ की लस्सी पिए तुमने? यहाँ की लस्सी, यहाँ मैंने लस्सी पी है, लेकिन अभी पहले तरबूज. ओके, दूध जो है ना वो थोड़ा मत लगा. ओके गाइस, सो वाटर पंप का तरबूज का शरबत. बेसिकली ये वो लाल शरबत तरबूज और तरबूज के चंक्स हैं इसके अंदर. कुछ और भी है. देखिए कुछ रोज वाला भी फ्लेवर आ रहा है मुझे. दैट इज लाल शरबत ना, वो रोजा और गुलाब का. उन्होंने मुझे लग रहा है हर के गुलाब या केवड़ा शेवड़ा मिक्स किया है. वो आती उसमें भी होता ना. हाँ, फ्लेवर में है. मैंने वैसे ये गुड आइडिया रमजान के लिए. यू शुड डू दिस रमजान में. तुमने वो लाल शरबत कोई भी ले लो, उसको खोलो, तरबूज काटो, तरबूज डालो और ठंडा पानी भरो. लेकिन ऐसा नहीं बनता, ये कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करते हैं लाजमी. बस इसका नसीब है, ये इसका नसीब है. शरबत बहुत मजे का था एंड मुझे अब लग रही है बहुत ज्यादा भूख. और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई प्लीज किसी खाने वाली जगह पर ले जाओ यार. सो जी, तरबूज का शरबत तो हो गया वाटर पंप का. और हाँ भाई, क्या क्या रहा तुम्हारा सीन भाई? मुझे लग रही है बहुत ज्यादा भूख, क्योंकि इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और मैंने नाश्ता भी नहीं किया है. आपने मुझे एक आस दी थी कि हम जा रहे हैं आज हमारा फूड डे, और आपने मुझे शरबत पिला दिया यार. आज सीन ये है कि आज हमने चापे भी होंगी. आज आज चापे भी है. आज चापे भी है. मिर्चे इतने मसाले खिला रहे हैं, मैंने सोचा पहले बाद में एसिडिटी ना हो. सेफ्टी प्रिकॉशन. ये कहते हैं मिक्स नहीं कर सकते. मिक्स नहीं कर सकते क्यों? भाई हम आदत होती है मिक्स करने. वजह क्या है? जिस तरह ये मेरी हो गई, अब मैं मिक्स करूं ना जिस तरह ये बिल्ड करते हैं ना इसको. अच्छा. उसमें ये है कि कहीं ये हरी चटनी डालते हैं, कहीं लाल चटनी डालते हैं, कहीं इमली की डालते हैं, कहीं मसाला डालते हैं, कहीं दही होता है, कि हर बाइट में सरप्राइज एलिमेंट मिले. अच्छा, पहली दफा मुझे आप ये ट्राई करा रहे हैं. इससे पेट तो खराब नहीं होगा, बाद में पता चले घर जाके छूटे मेरी कल. बिल्कुल खराब नहीं होगा, ट्राई करो इसको खाओ. मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूं, मैंने ये सारी चीजें नहीं खाई. हां भाई, एक बर्गर बच्चे को ले आया हूँ मैं. नहीं, नहीं, पे. बर्गर तो नहीं हूँ, वो तो बन कबाब लेके. इतना बन कबाब नहीं हूँ. क्या करो. और ये लोडेड पानी पूरी, दही पूरी, मीठी पूरी, जो भी कह ले. प्रोटीन का बैड होगा मेरी डाइट में, ये बता. प्रोटीन अभी अभी कर रही हूँ. पहले कार्ब्स खिलाए जा रहे हैं, प्रोटीन का कुछ सेटिंग बनाए. चिक पीस है ना इसमें, है ना चने. सब्जी का मजा आ रहा है. मुझे चाहिए गोश्त, तो इसके लिए गोश्त ही जुगाड़ करते हैं. अभी बस रोड लेके जा रहा हूँ. सो वी आर डन विद चम्स की चाट. बहुत ज्यादा स्पाइसी थी.
और लक पता गया है बहुत ज्यादा स्पाइसी थी। मैं यूजुअली इतना स्पाइसी फूड खाता नहीं हूँ। मैं भी आज नहीं, आई जस्ट रियलाइज आल्सो कि आफ्टर अ व्हाइल मैंने भी बहुत दिन बाद खाया, मेरा भी स्पाइस लेवल अब कम हो गया, तो ठीक ठाक मिर्ची थी, लेकिन अच्छा बैलेंस बड़ा अच्छा था। हाँ। क्योंकि वो खट्टा मीठा ऑल द लेयर्स आ रही थी। वो मीठी पूरी का क्या रहा भाई, दही वाली जो थी? हाँ, मीठी पूरी बहुत मजे की थी, मीठी पूरी बहुत मजे की थी, बहुत यमी थी। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमें कोई मेरी बॉडी में प्रोटीन को ऐड करवा दो। कौन आदमी है, कौन आदमी है कि इतना लेट्स ईट सम मीट गाइस, लेट्स गो। ऑप्शन हमारे पास एक चॉप, सम बारबेक्यू, समथिंग। एक चॉप का ऑप्शन था, फिर अभी हम डिबेट कर रहे हैं कि मे बी हम जाएं बंस रोड, तो वहां बहुत सारे ऑप्शन है। लेट्स हैव सम कबाब, लेट्स गो, लेट्स गो। चलो, एक स्पेशल रेसिपी है जिसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक ब्लॉग भी बनाने वाला हूँ। वो भी एक बहुत मजे की रेसिपी, उसे मैं बहुत सारी चीजें डालता हूँ उस ऑमलेट के अंदर। और वो ऑमलेट समझें कि ऐसा बनता है कि जब जब वो ऑमलेट मेरे घर में बना रहा है तो सब लोगों ने बहुत बहुत नाम क्या ऑमलेट का नाम बताओ। ऑमलेट का नाम है चिंचुरी 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 ऑमलेट। उसमें है क्या ऑमलेट के अंदर, क्या यार बस ऑमलेट के अंदर वो एक सीक्रेट रेसिपी है, बहुत सारी सीक्रेट रेसिपी है, बहुत सारी वेजीज है, वो बेसिकली मैंने खुद जो है वो इन्वेंट किए। क्योंकि एक दिन रात में मुझे अक्सर मुझे रात में बहुत ज्यादा भूख लगती है, मैं मूवी खत्म करता हूँ 3-4 बजे मुझे भूख लग जाती है। तो एक दिन मैंने क्या किया है कि बहुत सारी वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, सब डाल देते हैं। तो वो जो जो वेजिटेबल पड़ी हुई थी फ्रिज में मैंने वो सब डाल दिया और अनएक्सपेक्टेडली वो इतना अच्छा ऑमलेट बन गया कि जब मैंने वो खाया तो मुझे इतना मजे का लगा कि मैंने बोला इसको चैलेंज देते हैं, चिंचुरी ऑमलेट इसको बनाना पड़ेगा। इस नाम के पीछे मुझसे पूछे कहानी, चिमचुरी क्या कहानी है? चिमचुरी कोई कहानी नहीं है यार, कोई कहानी नहीं है, बस ऐसे ही है ये चिमचुरी ऑमलेट। मैंने सोचा थोड़ा ऐसा नाम रखता हूं, चिमचुरी ऑमलेट चेक करते हैं। चिमचुरी ऑमलेट मैं आपको जरूर बना के भेजूंगा। देखिए जी, सो बड़े बहुत एक लंबे अरसे के बाद मैं आया हूँ फाइनली बंस रोड, और अब काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये लाइट्स वगैरह नहीं लगी हुई थी, और मुझे हमेशा से ये था जब से मैंने सुना था कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है कि हम इसको विजिट करें। और अच्छा क्रंच आया उसके बाद आगे। अच्छा बंस रोड की अच्छी बात है कि बंस रोड को इन्होंने रिवैम्प किया है पिछले दिनों, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अभी लाइट वाइट जलेंगी या जलाएंगे मैं पूछता हूँ, बताता हूँ। और सुना था ये रोड बंद कर रहे थे, पेटी नहीं बढ़ता, खाया जा रहा है बोला। भाई क्या खिला रहे हो, एक आप एक बन कबाब, एक एक, एक चाट, एक बन कबाब, एक शरबत, इससे किसी का पेट भरेगा? इसका मसला ये है कि इसको चाहिए मीट। Yes. जब तक मीट नहीं आया पेट नहीं भर रहा। Yes. कहाँ जाते दूसरी चीजें खाने के लिए? दूसरी चीजों के लिए मैंने एक अलग से साइड में एक अलग पेट बनाया है। यार यही सीन है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत भूख लगती है और मैं बहुत खाता हूँ, ये बिल्कुल एक फैक्चुअल बात है। इट्स एब्सोल्युटली राइट गाइस। ओके सो अब हम आ गए कैफे लजीज और फाइनली आई एम गोना हैव समथिंग सॉलिड। ओके सो फाइनली पूरा दिन इंतजार करने के बाद शाम रात के 7:30 बज रहे और अब जाके मैं अपना फर्स्ट प्रॉपर मील जो है वो खा, प्रॉपर मील खा रहा हूँ। इससे पहले हम रिफ्रेशमेंट कर रहे थे एंड इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें दिलवाई हैं, कटा कट है। और ये कैफे लजीज जो कि बहुत फेमस है, इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, बट लेकिन इस दफ़ा काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। सो या मैं किस पेट में खाऊंगा ये मेरा सवाल है, तो मैं किस पेट में खाऊंगा मेरा सवाल है यार। ये प्लेट प्लेट वाला सीन नहीं होता इसके अंदर, ये कि बस किस पेट में खाऊंगा, किस पेट? अच्छा पेट नहीं नहीं यार, ये तो आपने कुछ खिला, आपको फिर पता ही नहीं है मेरा। दो मक्खन डले इसके अंदर इतने बड़े साइज के। कोई बात नहीं, आज मैं आधा घंटा और ट्रेडमिल करूंगा। चले जी, आई थिंक अब हम खाना स्टार्ट करते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। जी,
सो फाइनली वी फाइनली हैड आवर लास्ट मील ऑफ द डे गुलाब जामुन यार डिजर्ट अच्छा रहा इट वाज फन एंड बड़े टाइम बाद मैंने बंसोड का रुख किया और फूड डे जो हमने आज सेलिब्रेट किया है वो एक हफ्ते तक मुझे याद रहेगा क्योंकि रोज जब मैं वर्कआउट करूंगा तो मैं आपको दुआएं दूंगा इसका कंपटीशन कोई नहीं कर सकता बता रहा हूँ इसके साथ खाने में आप कम्पीट नहीं कर सकते इसको आप नहीं नहीं कर सकते लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी जो है वो क्वालिटीज चाहिए एक क्वालिटी है कि आपने किसी चीज को ना नहीं कहना यू हैव टू बी अ यस मैन तो आपने सब खाना इसको सब्जियां दाल में समझ नहीं आती बोलते मुझे मीट दिखाओ और जिस तरह इसने माशाल्लाह खाया है हिम्मत है इसकी ये हजम कैसे किया मैं कर लूंगा वो आप उसको थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच थैंक यू